गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो? सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया होना चाहिए जी। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहले कौन सी न्यूज़ सुनाऊँ बताओ? बच्चा कह रहा सर पहले ना गुड न्यूज़ ही सुना दो, बैड न्यूज़ मत सुनाओ, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। ओ माई गॉड, चलो इधर सुनो ध्यान से। पहले गुड न्यूज़ सुन लो कि आपकी फाइनली समरी बुक तैयार हो चुकी है। इस वीडियो के खत्म होते उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने जा रहा हूँ जी। बिल्कुल रिवाइज समरी बुक है, सारी अमेंडमेंट्स मैंने उसमें डाल दी हैं जी। और इवन समरी बुक के बाद में भी ना मैंने अमेंडमेंट्स कंपाइल करके डाली है, मतलब बीच बीच में जहां जहां अमेंडमेंट्स है वहां तो मैंने डाली ही हैं और बाद में भी डाली है। इट मीन्स अगर किसी बच्चे को अमेंडमेंट्स देखनी है तो वो लास्ट वाला पेज देख सकते हैं। बाकी पूरी समरी बुक पूरी मैंने रिवाइज कर दी है, उसी के बेस पर हम रिविजन करेंगे और उसके बेस पर आपने रिवाइज करनी है जी। अब जिन बच्चों के पास पुरानी समरी बुक है उसको छोड़ के वो नई समरी बुक फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने पुरानी का प्रिंट आउट निकाल लिया तो फिर वो साथ में अमेंडमेंट नोट्स रख लेंगे तो भी आपकी समरी बुक चल जाएगी। बट अगर आप काफ़ी टाइम से कहते हैं कि सर नई समरी बुक कब आएगी, रिवाइज समरी बुक कब आएगी, तो फाइनली इस वीडियो के बाद मैं रिवाइज समरी बुक आपकी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ जी। टेलीग्राम चैनल सबको पता है, सीए विवेकाबा के नाम से और टेक्स लव लिखा हुआ है और अप्रोक्सीमेट हमारे 31,000 फैमिली के मेम्बर्स हैं जो आपका प्यार मतलब वहाँ पर बना हुआ है। तो उसके अंदर मैं अभी वीडियो खत्म होने के बाद डाल दूंगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी समरी बुक है जी, ये समरी बुक कंप्लीट आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें अमेंडमेंट्स भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं जी। ठीक है जी, आपका फ्रंट पेज जो होगा वो ये वाला होगा। पुरानी समरी बुक में ये वाला फ्रंट पेज नहीं था जी, ये नई समरी बुक है। ठीक है जी, इसमें अमेंडमेंट्स मैंने डाल दिए हैं। 333 पेज की समरी बुक है, मतलब 333 पेज की समरी बुक है। ये तो हो गई गुड न्यूज़। ठीक है, बैड न्यूज़ ये है कि आज मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा शाम को, ना एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की ना प्रोफेशनल वाले बच्चों की, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम, मेरा गला बैठा हुआ है और मैं बोल ही नहीं पा रहा, मतलब अभी मेरे को जोर लग रहा है बोलते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अगर मैं रेस्ट करूँगा, गरारे करूँगा, गर्म पानी पीऊँगा तो कल तक मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊँगा। फिर कल शाम को मुझे करवाने हैं MCQs और वो MCQs जो है ना मैं बना के डाल दूंगा। टेंशन मत लो सर, मैं वेला नहीं बैठूंगा, मुझे आपके MCQs बनाने हैं। तो मैं जितना भी टाइम आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा ना, वो सारा टाइम मैं MCQs के अंदर लगाऊंगा। ठीक है जी, तो मैं फ्री नहीं बैठूंगा सर, काम मैं आपके लिए ही करूंगा। और मैंने आपको पहले भी कमिटमेंट की थी कि कुछ भी हो जाए ना सर, मुझे आपको जून में एग्जाम क्लियर करवाने हैं, बस ये बात ध्यान दो। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने भी क्लियर करने हैं जी। ठीक है, तो मैं आपके भी बैठ के MCQs बना रहा हूँ, MCQs भी डाल दूंगा जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। और बाकी समरी बुक अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, हर बच्चे के साथ शेयर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, सिंगल पैसा नहीं है। चाहे मुझे कितने मर्जी का नुकसान हो, बट कमिटमेंट ये है कि आपके एग्जाम में पास होना चाहिए बस। ठीक है जी, चलो फिर थैंक यू सो मच। मैं जोर से बोल नहीं पा रहा, आपको अजीब लग रहा होगा, बट थैंक यू सो मच। एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि। माता रानी इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां दे, आपसे खुशियां संभाली ना जाए, मतलब माता रानी बहुत खुश रखे आप सभी को, आपके परिवार को। मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे परिवार की तरफ से माता रानी आपकी दुनिया खुशहाल कर दीजिए। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, वाजनी आई जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अगले वाले जय माता दी, पिछले वाले जय माता दी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी, बाय बाय जी, बाय 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 बाय।